तो मुझे ये बताएं सवेरा जब आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जब अपने टीवी शोज करती हैं स्पेशली जो आजकल आपका वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट्स के साथ आप करती हैं mm -hmm. तो तनकीद भी करती हैं यू डू अ वेरी सॉलिड क्रिटिकल एनालिसिस एंड दैट्स कूल आई लव दैट I love that expression even though, <laughs> लेकिन कभी हुआ किसी क्रिकेटर ने कॉल की हो यार सवेरा आपने ऐसे कहा मुझे मुझे ये बात पसंद नहीं आई कभी किसी ने नाराजगी इजार किया हो गिला किया किसी, बहुत दफा, बहुत दफा, um, किसी का नाम लेके नहीं बताऊंगी बट मैं एक बहुत अच्छी uh, रही बिकॉजेंड इलेवन आई ज्वाइन सो उस वक्त वॉज नो फीमेल ऑन द फील्ड Uh, 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 स्टिंग मैं जर्नलिस्ट मैं थी. Yes, हाँ, I... हाँ, hmm. थी पहले आलिया रशीद थी और आलिया रशीद ने अ, अपनी अ, बेटी होने के बाद गैप लिया हुआ था सो so, उस गैप में मैं आई उस टाइम फ्रेम में सो देर वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर जो कि फील्ड पे जाके जो है Um, during the matches interviews कर रही से, फिर जो यंग आ रहे थे मतलब इस वक्त अगर मैं टीम पाकिस्तान में जो लड़के हैं आईव सीन दम ग्रोइंग अप आई फील सो ओल्ड बट येस मैंने उनको छोटा छोटा बच्चा देखा है मतलब तो मैंने बाबर अंडर नाइनटीन खेलते हुए देखा सो nice. so, एवरी टाइम आई हैड दिसाब हसन देरी फॉर मी तो uh, बहुत दफा हुआ कि शिकवा किया कि आपने फलानी की बुराई कर दी मेरी ये बुराई कर दी इनफैक्ट आई रिमेंबर एक जो मैं कोट कर सकती हूँ कि नसीम शाह मेट में एंड कहने लगी कहने लगे कि आप तो आप लाला से सिर्फ शाहीन के सवाल क्यों पूछती हैं मेरे बारे में क्यों नहीं पूछती सो येस so, yes, इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं बट क्योंकि मुझे इतने अरसे से ये लोग जानते हैं सब सो so तो हाँ, एक एक एक, हाँ, ये है कि they know that I'm very straightforward. मैं जितनी अच्छी आपकी दोस्त होंगी बट मैं उस आपसे ज्यादा अपने प्रोफेशन से सिंसियर होंगी आई कैन नेवर नेवर डिच माई प्रोफेशन बिकॉज अगर मैं अपने प्रोफेशन से सिंसियर तो, तो, तो मैं आपके साथ भी सिंसियर नहीं हूँ राइट तो मेरी जितनी भी अच्छी दोस्ती हो किसी भी क्रिकेटर से मगर अगर वो कुछ गलत कर रहा है इफ इफ ही इज़ इज़ नॉट नॉट परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग, और शी आई वुड बी स्पॉट ऑन विद एनालिसिस। रहे हैं तो ये या तो नहीं आईस एट द टेबल सो दिस इज समिंग विच एवरी वुमन शुड नो

you say no on face exactly exactly and you should be that straightforward i believe that uh, that's an huh. inspiration that, uh, but i hope the viewers who are watching us they could get uh, it as an example and could learn Okay, mm -hmm. either it's a yes or a no and there's no shame in saying yes और आई डोंट नो एक्जेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ बताता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं आप स्टेटस को को तोड़ के अलग से जा सकते हैं बिकॉज़ मैं शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड थी तो मैं इतने अरसे सरवाइव भी कर गई इस फील्ड में नहीं नहीं माशाल्लाह वरना अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था आई सी यू ग्रोइंग ओल्डर एज प्रोडक्शन में टैलेंट में कोई लड़की थी सो so, एक साल तो मुझे सिर्फ लोगों को यकीन दिलवाने में लग गया दैट नो आई एम नॉट एन आई कैंडी फॉर द स्पोर्ट शो आई नो माई स्टफ आई नो दिस थिंग आई नो द गेम तो एक साल लग गया मुझे

सेट्स पे आपके साथ माशाल्लाह शाहिद अफरीदी होते हैं मशी भाई होते हैं मुश्ताक मिस्टर, है। मिस्टर यूसुफ होते हैं मोहम्मद यूसुफ होते, होते हैं है। है। उनके साथ कैसा बॉन्ड है कभी ऐसा हुआ कि ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात उनको पसंद ना आई हो तो उन्होंने गिलाप से किया हो या कोई मजेदार किस्सा सुनाएं उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बिकॉज़ हम जोर का जोर हमने एस एल से शुरू किया था उस वक्त मैं कराची में होती थी और आ, मुशी भाई वगैरह जो है वो यहाँ से कनेक्ट करते थे यूसुफ अभी अभी जोर की जोड़ का फैमिली का हिस्सा बने एशिया कप में हमने बहुत लगातार जोर का जोड़ किया कोई ट्वेंटी डेज इन द गो तो फैमिली से ज्यादा जब आप यहाँ टाइम गुजारने लगते हैं ना तो ये आपकी फैमिली बन जाती जाए और आ, होती है फैमिली में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं यहाँ पे भी होती हैं मगर मैंने फिर वो ये कहना द पीपल हु स्पेंड टाइम विद मी दे नो दैट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉर मुझे कोई बात आपकी बुरी लगेगी ना तो मैं फौरन नो मुझे अच्छी नहीं नहीं लगी ये ये exactly. ये क्यों किया और और कहने के बाद कभी भी किसी और अगले दिन यू विल नेवर सी मी टॉन्टिंग यू बैक फॉर दैट थिंग दैट यू डिड बिकॉज मैंने उसी वक्त के वो दिल से निकाल के साइड पे कर so, दिल बहुत yeah. खाली रहता है मैं लोगों के लिए नेगेटिविटी नहीं Uh, I will get wrinkles for that yaar. Matlab, kya ho no गया? no you don't have to you got a flawless skin I don't skin want माशला. to have any negativity with me इसका रास्ता मैं पूछूंगी <laughs> I'm so impressed माशाल्लाह आपकी तो skin glow कर रही uh, है even though you know putting makeup is uh, it's a big uh, heavy task every day मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर देता है बट आपको उतारना तो खुद पड़ता है ना मेकअप इट इज

फेशियल के लिए आ जाए ये आ जाए दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं एंड आई डोंट गो फॉर फेशियल्स कभी मेकअप उतारना है तो डायरेक्ट बस फेस वॉश लिया और मुंह धो लिया नो क्लेंग नथिंग कभी मूड हुआ तो क्लेंजिंग कर ली इस तरह बट अदर देन दैट मुझे ये लगता है कि ये ऊपर 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 सारी चीजें ये yes, आपको अपनी स्किन uh, की क्लैनलीनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए बट आपको अपने अंदर की क्लेंलीनेस का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए सो आई ड्रिंक अ लॉर्ड ऑफ वाटर Hmm. मतलब पानी इज लाइक like मैं मुझे आप भूखा छोड़ दें मैं भूखी रह सकती हूँ प्यासी नहीं रह सकती। पानी आपने बहुत बड़ी बात कर दी है पानी जो है ना इट डे माशाल्लाह सो इट इज लाइक पानी पीती हूँ <laughs> और ऑब्वियसली उसके बाद आई जस्ट nature, <laughs> ना देखिए 18 18 ग्लास हो या

मुझे मजा नहीं आता था जिस तरह के बेचारगी रोल हमारे यहाँ so oh बेचारी होती है औरत एंड ऑनेस्टली होती हैं औरतें क्यों नहीं मगर हमारी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती शायद स्ट्रॉन्ग औरत, औरतों के कैरेक्टर्स को सो so इसलिए ड्रामाज भी स्ट्रॉन्ग औरतों पे बनते नहीं सो राइट वरना पायलट हैं हमारी हमारे यहाँ औरतें जीटी पायलट हैं आर्मी में हैं साइंटिस्ट हैं

कनेक्ट नहीं कर पाती थी अपने कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है आप तो वो मुझे इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन मी और uh, 2006 Good. से 2010 तक uh, मैं ये करती रही 2010 में व्हेन आई गॉट मैरिड तो फिर ये होता था कि सारा दिन जब मैं रो रो आके घर आती थी तो मेरा किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता था तो मैं आई वॉज वेरी टेंसड अबाउट इट सो आई डिस्कस्ट इट टू माई हजबेंड एंड ही सेड अच्छा माई हजबेंड इज अ टोटल क्रिकेटिंग स्पोर्ट फ्रीक तो जब मैं अब्बू की उस सराउंडिंग से निकली जो उनको स्पोर्ट्स का शौक था तो मैं अपने मियाँ की सराउंडिंग इट वॉज इट वॉज लाइक क्रिकेट इन क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स एंड एवरी